में अभी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैकेंसी अवेलेबल हो सकती है जो नौजवान बच्चों को हम थोड़ा बहुत अपने साथ जोड़ सकें। उसके लिए अलग से जब भी वो बात होती फैसला होता है तो हम लोग बता दें। स्पेशल आजकल नहीं होती है कांस्टेबल का, जब बाकी जो पहले किसी जमाने में जब मिल्टनसी का दौर था, बोलबाला था, उस वक्त पूरा एक मूल्यांकन किया गया था, उसके मुताबिक देखते थे कि किस एरिया से कम लोग हैं, किस एरिया को और ज़्यादा पुलिस में लाने की ज़रूरत है, वो उस वक्त सरकार की पॉलिसी थी। अभी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है सर। मिल्टनसी रिवाइव होने की कोशिश ज़रूर हो रही है मगर मिल्टनसी रिवाइव नहीं हो रही है, पहली तो बात ये क्लियर होनी चाहिए। मिल्टनसी के बचे हुए निशान ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को फोर्सेस को जहां भी इत्तला मिलती है कि पुराना किसी का दबा हुआ सामान अभी भी किसी जगह पे पड़ा हुआ है जो लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ हो सकता है, उस सामान को निकाला जाता है, नया सामान थोड़ा बहुत पार से भेजने की कोशिश होती है मगर पुलिस और हमारी फोर्सेस स्तर के बहुत सारा ऐसा सामान जो पार से स्मगल होके ड्रोन के जरिए जहाँ बाकी जगहों से आता है वो पकड़ा जा रहा है। और अभी जो जहाँ का जिक्र किया मैंने अभी बताया कि इस तरह की नकलो हरकत पार है कि जहाँ कोई पुराना नौजवान जहाँ से उठ करके पाकिस्तान में गया हुआ है मिल्टनसी के साथ वाबस्ता था उसके रिश्तेदारों के जरिए नए लोगों को मिल्टनसी की तरफ धकेलने की कोशिश करें। आपने इतने बड़े जलसे के बीच में पब्लिक के सेंटिमेंट को देखा, पब्लिक ने क्या कहा? पब्लिक ने कहा कि हम बिल्कुल इस तरह की नकलो हरकत के खिलाफ हैं, हम किसी का साथ नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। इस तरीके से अगर कोई पाकिस्तान ऐसी साजिश करता भी है उसको बुरी तरह नकारा जाएगा, लोग उसको नकारेंगे और हम इनके साथ हैं। महकमा पुलिस के दायरे से बाहर काम करता है मगर मुझे इलम है कि उनके कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सरकार के नोटिस में हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए एक प्रपोजल बनी थी, सरकार के पास गई थी, उनका पुराना जो वेतन था उसको डेली जो वेजेस उनको मिलती बढ़ाया गया था। मुझे लगता है कि वो इशू अभी भी गवर्नमेंट के पास जेरे गौर होगा मगर फिर से इस इशू को हम लोग सरकार को रिमाइंड करवाएंगे। सर आज आपने बच्चों को